नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नवभारती स्टडी सर्किल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए चैप्टर 12 क्लास 10 और सब्जेक्ट SST सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 12। पिछले वीडियोस में आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। साक्षरता दर सबसे पहले है कि साक्षरता का मतलब क्या होता है। तो साक्षरता का मतलब क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष है या उससे अधिक है, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, जिसे अक्षर ज्ञान हो, जिसे किसी भाषा को समझकर समझना, लिखना और पढ़ना आता हो, जिसको किसी भी भाषा का अक्षर ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। तो सबसे पहले हमने साक्षरता दर को जानने से पहले जाना कि साक्षर का मतलब क्या है। तो साक्षर में व्यक्ति की जो एज है वो एज कितनी दी गई है, 7 वर्ष या इससे अधिक, और जिसे किसी भी एक भाषा में अक्षर ज्ञान हो, उसे उस भाषा को पढ़ना, उसको लिखना और उसको समझना आता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, साक्षर। तो चलिए अब बात करते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूं कि जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय भारत की साक्षरता दर इतनी नहीं थी, उस समय भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की साक्षरता दर ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। और आज अगर हम बात करें तो इंडिया की साक्षरता दर है 74.04। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 है। अगर बात करते हैं इनके अंदर पुरुषों की साक्षरता दर की, तो पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14, 82.14% पुरुष भारत में साक्षर हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या है 65.46%, 65.46% महिलाओं की साक्षरता है। मतलब भारत में जो पुरुष वर्ग जो पढ़ा हुआ है उसकी संख्या है 82%। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, अब तो महिलाओं को महत्व दिए जाने लग गया, महिलाओं की जो साक्षरता की दर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। जब आजाद भारत 1947 की बात करते हैं तो उस समय महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी, और पुरुष प्रधान होने के कारण यहाँ पर पुरुषों को अधिक पढ़ाया जाता था, महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल वो सोच, वो टेंडेंसी बदल चुकी है, आज महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया जाता है, महिलाएं भी आज कंधे से कंधा लगा करके पुरुष आगे तैयार खड़ी है। तो महिलाओं की साक्षरता दर भी आज बहुत आगे बढ़ चुकी है, 65.46% है। आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक साक्षर की बात करें देश के, वो कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो हमें जाना होगा साउथ की ओर। जब हम दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो एक छोटा सा राज्य है और केरल नाम है। केरल जो है, केरला की साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और वो है 93.991%, 93.91 के साथ। केरल जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और प्रथम स्थान पर बैठा हुआ है। उसके बाद बात करें कि सबसे पिछड़ा हुआ या सबसे कम साक्षरता रखने वाला जो राज्य है तो वो है बिहार। पिछले वीडियो से मैंने आपको बताया था कि बिहार जनसंख्या के मामले में भी अपना महत्व रखता है, टॉप वन तो नहीं कह सकते, लेकिन जनसंख्या घनत्व की जो मैंने बात की, पॉपुलेशन डेंसिटी की जो मैंने बात की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार नंबर वन बैठता है। और यहां पर सबसे कम साक्षरता दर लेकर के बैठा हुआ है, तो बिहार का नाम कहीं ना कहीं आपको चाहे सबसे अधिक में या सबसे कम में कहीं भी मिले, लेकिन बिहार का नाम मिल रहा है। तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है और वह है 63
63.882%, 63.82% बिहार की साक्षर दर। आगे बात कर रहे हैं राजस्थान, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान की साक्षर दर है 67.07%। ये सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। 67.07% राजस्थान की साक्षरता दर है। और इसमें अगर मैं पुरुष वर्ग की बात करूं तो पुरुष वर्ग जो है वो 80.51% पुरुष साक्षर है राजस्थान के। छूती हुई है भारत की साक्षर दर से। 2021 की जनगणना हो साक्षर दर उसमें निकले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि साक्षर दर भारत की साक्षर दर से भी ऊपर निकलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक राजस्थान का निवासी हूँ और मैं राजस्थान से प्यार करता हूँ। तो मेरी एक भावना है कि हमारी साक्षर दर आगे निकले, हमारा राजस्थान हर चीज में आगे हो। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर भी 52.66% राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान का महिला वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा है, वो साक्षर है। तो 52.66% महिला वर्ग पढ़ा हुआ है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक राजस्थान का कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो बच्चों कोटा जिला है राजस्थान का, जिसमें बिल्कुल टोटा नहीं है, ये कोटा जिला है। 77.48% के साथ राजस्थान में प्रथम रैंक पे बैठा हुआ है। अगर आपसे बात की जाए कि राजस्थान का केरल कौन सा है, तो राजस्थान का केरल साक्षरता दर के अंदर, साक्षरता दर में राजस्थान का केरल अगर मैं कहूंगा तो कोटा को कहूंगा, क्योंकि इसकी जनसंख्या, इसकी जो साक्षरता दर है वो भी सबसे ज्यादा है, 77.48% सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम जो साक्षरता दर है, सबसे कम साक्षरता दर है जालौर की है, 55.58% 55.58% साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने कई प्रयास किए। कस्तूरबा बालिका आवासीय स्कूल्स भी खोले गए हैं, कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई गई है। इस साक्षरता दर ऐसे ही नहीं बढ़ गई है, राजस्थान सरकार, भारत सरकार के अथक प्रयासों के बाद साक्षरता दर बढ़ी है, ठीक है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि साक्षरता दर बढ़े, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो अभी हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया मानव संसाधन चैप्टर 12 का, और हमने उसमें बात की साक्षरता दर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में। लिटरेसी रेट की हमने बात की, लिटरेसी रेट के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो लिंगानुपात का मतलब है भारत में या कहीं पर भी या किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है, पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है उस पुरुष और महिला वर्ग के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, जिसका एक बेस माना गया है और वो है 1000। वो क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या किसी भी निश्चित स्थान, निश्चित क्षेत्र, राज्य भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, कोई भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है, उस निश्चित स्थान पर रहने वाले पुरुषों की संख्या 1000 की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। महिलाओं की संख्याओं का जब पुरुषों की संख्या के साथ अनुपातिक मेजरमेंट किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उनका अनुपातिक तौर पर अध्ययन किया जाता है, तो उनका जो अनुपात है उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात में अगर हम बात करें तो भारत का लिंगानुपात जो है, भारत का लिंगानुपात है 943। भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो है 943। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है। देखो जहां पर एजुकेशन ज्यादा मिलेगी, जहां पर शिक्षा सबसे अच्छी मिलेगी, शिक्षा ज्यादा मिलेगी,
वहां पर कुरूतियां दूर होंगी और अच्छाइयां बढ़ेंगी। तो केरल जो है यहाँ पर लिंगानुपात अच्छा है, महिलाओं को महत्व दिया जाता है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है, ठीक है। ये एक कह सकते हैं कि शिक्षा का ही परिणाम है। उसके बाद बात करते हैं सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो लिंगानुपात जो है, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का, और ये सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का जो है वो है 1000 पुरुषों पर 879 महिलाओं की संख्या है, जो कि ये दर्शाता है कि महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कितनी है। आगे बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में 1000 पुरुषों के आनुपातिक दृष्टि से महिलाओं की संख्या है 926, और सर्वाधिक अगर हम लिंगानुपात पाते हैं तो हम राजस्थान में दो जगह मिलता है। सबसे नंबर वन पे है डूंगरपुर, सबसे अच्छी जगह पर है डूंगरपुर। डूंगरपुर में राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 990, जो कि भारत के लिंगानुपात से भी ऊपर है, ठीक है। और राजस्थान का जो लिंगानुपात दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जो है वो है राजस्थान राजसमंद, और राजस्थान का जो लिंगानुपात है, राजसमंद का जो लिंगानुपात है वो है 980। तो दोनों लिंगानुपात राजस्थान के दोनों जिले ऐसे हैं, डूंगरपुर और राजसमंद, जिसका लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात और भारत के लिंगानुपात से भी ऊपर है। बात करें सबसे कम लिंगानुपात की, तो सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का। तो हमने अभी पहले अध्ययन किया लिटरेसी रेट का, शैक्षिक दर का, और अब हमने बात की लिंगानुपात। लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं, लिंगानुपात में हमने भारत को पढ़ा और राजस्थान को पढ़ते हैं। अब बारी है